आप सब लोग भागवत सुनने आए हैं और मुझे दाल भात में दूसरे चंद कहावत है ना आप लोगों ने, मुझे खड़ा कर दिया है मैंने कि आपने कुछ बोल सर आगरा की हमारी शान हो आप आपकी कृपा है। लेकिन मुझसे कुछ कहा है बोलने के लिए तो मैं कहूंगा, और जो संदर्भ है भागवत का या धर्म का उसी के संदर्भ में बात रख लूंगा अपनी। एक बार विष्णु भगवान से नारद जी पूछते हैं कि कभी मुझे इमरजेंसी हुई तो तुम कहां मिलोगे, कभी गोपियों पे रास बचाते हो, कभी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ते हो, तो कभी द्वारका में जाके राज्य करते हो, मुझे अचानक जरूरत पड़ गई आपकी तो कहां मिलोगे। तो बोले मेरे नाम का जहां संकीर्तन हो रहा होगा मैं वहां मिलूंगा। तो यहां भी उनके नाम का संकीर्तन हो रहा है, ईश्वर खुद या कहीं ना कहीं मौजूद होगा, हम सबको देख रहा होगा, हम सबको सुन रहा होगा। ये बहुत पुण्य का काम है और यहाँ के आयोजक मंडल जिन्होंने आयोजन किया है, सामूहिक रूप से ईश्वर का स्मरण ये हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। हमारे यहाँ पे एकांगी पूजा भी है और सामूहिक पूजा भी है। कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ सामूहिक पूजा ही है, एकांगी नहीं है। हमारे यहाँ एकांगी भी है, सामूहिक भी है, और द्वैतवाद भी, अद्वैतवाद भी, द्वैताद्वैतवाद भी हमारे यहाँ। आत्मा ईश्वर अलग अलग है ये भी लोग कहते हैं, आशा आत्मा और परमात्मा एक है ये भी कहते हैं हमारे। तो इतनी विशाल संस्कृति, इतनी महान संस्कृति, इतनी महान विचारधारा, धार्मिक चिंतन जिस धर्म में हो वह सनातन धर्म ही हो सकता है। हम सब उसके अनुयायी है, हमें ईश्वर की कृपा है। धन्यवाद। जय हो मंत्री जी की।